शहीदों ने आखरी सलामी आपी रहूं छे त्यारे आ मुद्दे वधु वात करवा आपणी साथे जोड़ाई रहा छे संरक्षण निष्णात एवा विजय भाई। विजय भाई आपनुं स्वागत टीवी नाइन पर। सौथी पहेलो सवाल ए छे के जे एरफोर्सनुं ट्वीट छे ट्राई लेवल कमिटीनी रचना करवामां आवी छे, ए कमिटी शुं होय छे अने इन्क्वायरी हवे कई दिशामां थशे? तो ये ट्राई सर्विस कमीशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। दिस इज ये पहले टाइम हो रहा है कि कोई एयरफोर्स के क्रैश में। तो ऐसी बात है कि पहले तो हम एयरफोर्स के ही लोग रहते थे, मगर इस वक्त थोड़ा अगला कदम ले लिया गवर्नमेंट ने ये किया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स और भी जो एसोसिएटेड एजेंसीज है जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उनको सबको एक एक मिला के करे ताकि उसका तात्पर्य जल्दी निकले और हर एक तरह का पहलू उसमें शामिल किया जाए। तो उसका आपके तरफ से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें साउंड। हेलो, आपको आवाज आ रही है विजय जी? हेलो, मुझे आ रही है। आ रही है ना विजय जी? बस अगला सवाल यह है कि जिस तरह से जी ये बोलिए बोलिए आप बोलिए अगला सवाल आप बोलिए अगला सवाल। हाँ, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे ये इंक्वायरी बैठाई गई है, ब्लैक बॉक्स कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण तो ब्लैक बॉक्स ही होता है जी। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जी। ब्लैक बॉक्स कि जो ओके उसको नाम है ब्लैक बॉक्स, मगर उसका कलर रहता है ऑरेंज कलर रहता है जो कि बहुत इजीली दिख सकता है, और उसके अंदर पूरे जो फ्लाइट के डिटेल्स आ जाते हैं, पूरा फ्लाइट डेटा आ जाता है टेक ऑफ से पहले से लेके जब इंजन चालू करते हैं तब से लेके इंजन आप स्विच ऑफ करते हैं डेस्टिनेशन पर, उसका पूरा डेटा के इंजन कैसे चल रहे हैं, सिस्टम कैसी चल रही है, सब उसके डाटा आता है। और जो आपकी कॉकपिट से लेके ATC के साथ जो बातचीत हो रही रहती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आपस में पायलट को पायलट और भी जो कुछ कॉकपिट में बातचीत चल रही है उसका पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है, और ये बहुत इस तरह से बना रहता है कि ये कभी ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो, क्योंकि पानी के कभी कभी जहाज पानी में गिर जाए 10-10 दिन के बाद पानी से निकालो या तो आग से निकालो या तो ज़मीन के अंदर घुस गया तो निकालो, तो भी ये ब्लैक बॉक्स सही तरह से रहता है। और ये पूरा अपना डाटा जब उसको इन्वेस्टिगेशन करते उसका जब स्क्रूटिनाइज करते कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ तो उसका सब डाटा उसमें मिल जाता है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कोई भी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में, तो ये बहुत मायने रखता है। विजय जी, खास जैसे एयरफोर्स ने भी बोला है कि इधर उधर की बातें अब मत कीजिए क्योंकि अभी इंक्वायरी बैठ चुकी है, तो अपने हिसाब से जो पूरे देश में जो चर्चा है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, समथिंग इज फिशी, तो ये सभी अभी जो अटकल लगाई जा रही है उसके ऊपर अंत आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रहती है उसमें बहुत दिग्गज लोग रहते हैं जिन्होंने के पहले भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्सटेंड किया रहता है। अभी एक समझिए कि अभी जो ये हेलीकॉप्टर गिर गया है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं जी, वो पूरा डिसइंटीग्रेट जिसको कहते हैं कि अलग अलग इसमें बट गया है, और उसकी बॉडीज भी जल गई है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है, और वहाँ से पूरा असली चीज़ ढूंढ के निकालना ये बहुत अहम बात है, बहुत मुश्किल बात है। जैसा कि हम कहते हैं कि फाइंडिंग अ पिन इन द हेस्टिक, मतलब कि घास के पहाड़ में से एक सुई को ढूंढ के निकालना जितना मुश्किल रहता है वैसा मुश्किल रहता है। तो उसमें जो हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े उसको इकट्ठा करके उसकी जांच होती है, कहीं फ्यूल ब्लॉक तो नहीं हो गया था, कहीं
जनरेटर तो टूट नहीं गया था, कोई वायर टूट तो नहीं गई थी। तो ये सब चीज़ें वो बहुत अभ्यासपूर्वक उसको ये करना पड़ता है, ये सब लेबोरेटरी में जाके वहाँ पर ये उसका जांच होती है। तो जो भी जांच होगी और उसमें सब पहलू ले लेंगे, एक तो जैसा कि ये पता है कि एयरक्राफ्ट बहुत सर्विसेबल था, बहुत अच्छा था, वेदर भी ठीक था, पायलट्स बहुत दिग्गज पायलट थे, एयरक्राफ्ट में अच्छी अच्छी सिस्टम थी, वेदर रेडार था, वेदर उसमें दिख जाता था उसमें, उसके बाद में लो ऑल्टीट्यूड यदि तुम नीचे उतर रहे और नीचे कोई पहाड़ी आ गई तो उसका भी वार्निंग आ जाती थी। पूरे तरह से बहुत सेफ जहाज था, पायलट्स ठीक थे और कई बार वो ये रूट पर ये चले थे उस, और एयरक्राफ्ट तो ऐसा था कि ऑल टेरेन और ऑल वेदर एयरक्राफ्ट था। तो इसके बाद के भी उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ जी ये पता करना है। मगर आप जैसे स्पेकुलेशन चल रही कि भैया कोई सबोटाज तो नहीं हो गया, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके कुछ सब ने पूरे देश ने वो फेथ रखना चाहिए कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सब पहलू को देखते हुए उसका क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसके क्या कारण थे, वो सामने लाएगी और जल्दी से लाएगी। विजय जी, अब जी जी, अंतिम विधि, अंतिम विधि के कुछ क्षण बाकी बचे, कुछ पल बाकी बचे हैं, ये प्रोटोकॉल क्या होता है अंतिम विधि से पहले? नहीं फिर से बताइए जी, फिर से पूछिए। नहीं, मैं सिर्फ प्रोटोकॉल जानना चाहता हूं कि अब अंतिम संस्कार होने में कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा? और जो मिलिट्री का जो फ्यूनरल सेरेमनी होती है जी, जो उसमें यदि आप ड्यूटी पर, आप ड्यूटी पर शहीद हो गए हैं जी, तो फिर आपको गन पूरा गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, गन सैल्यूट मिलता है जी, और सब लोग आके उसको रीच चढ़ाते हैं जी, और फुल उसको कहते हैं फुल मिलिट्री ऑनर्स। बिल्कुल, तो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ जी ही जितने भी गए हैं जी, जनरल रावत से लेके तो नायक करके सब जी जी जी, छोटे रैंक का आदमी था, बिल्कुल उन सबको ठीक से मिलिट्री ऑनर के साथ ही ये करना है, क्योंकि उन्होंने ये अपने देश के लिए जान दी है, वो हकदार है कि नेशनल फ्लैग में लपेट के जाएं जी, और फिर उनका फिर गन सैल्यूट वगैरह के बाद जब अग्नि दिया जाता है उसके पहले उनका जो कैप रखी है वो कॉफिन के ऊपर, या तो फिर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है उसको निकाल के उसको फोल्ड करके, ये सब जो है ये उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो उनके रिश्तेदार है जी, उनको दे दिया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व करें। बिल्कुल, तो पूरा मिलिट्री सम्मान साथ ही अंतिम संस्कार करवाना आवश्यक जी।